तो राजस्थान के विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। जैसा कि ये कहा जा रहा था कि हंगामेदार ये बजट सत्र रहने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, और इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी सत्र में क्या कुछ रहने वाला है। जनहित के मुद्दों को पक्ष और विपक्ष की तकरार में कितनी अहमियत दी जाएगी, ये देखना बेहद जरूरी होगा। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सदन का दूसरा दिन है और इसे समझने के लिए सदन की पहले दिन की तस्वीर को देखना बेहद जरूरी है। तो पहले दिन जहां एक ओर राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते रहे, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता वेल में नारेबाजी करते दिखे। सत्र में जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने भाजपा विधायक कैलाश चौधरी और ज्ञानदेव आहूजा के राहुल गांधी पर दिए बयान का मुद्दा उठा दिया। वही हंगामे के बीच ही राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते रहे। हंगामा बढ़ता देख 15 मिनट के बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौर ने हंगामे का हवाला देते हुए अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे मान लिया गया। वहीं सदन में गुरुशरण छाबड़ा सहित 17 दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। शोकाभिव्यक्ति के बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आमतौर पर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गरिमा बनाए रखते हुए भारी विरोध की रणनीति के बावजूद विपक्ष के नेता इस तरह हंगामा नहीं करते, पर मामला राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी से जुड़ा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष से लेकर कांग्रेस के सभी विधायक इस मामले को हाईकमान की नजर में अपने नंबर बढ़ाने के एक मौके के तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी ये तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री की माफी तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। नहीं, आगे हमारा जो स्टैंड जो है, आज हमारे सुबह विधायक दल की मीटिंग थी, कल हमने और विधायक दल की मीटिंग बुलाई है, हम उस बात उसमें तय करेंगे सुबह। वैसे जब तक जो है राहुल गांधी जी के बारे में जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया गया है, हमने निवेदन किया अभी भी अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि सदन की नेता उसमें खेद प्रकट करे और हमारा ये स्टैंड रहेगा। तो वही जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में राहुल गांधी को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर विधायक ज्ञानदेव आहूजा और कैलाश चौधरी की बयानबाजी अब भी लगातार जारी है। सीएम राजे की नसीहत के बावजूद सोमवार को फिर विधायक कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया। कैलाश चौधरी ने कहा कि मैं अपने बयानों पर कायम हूं और मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो वहीं आहूजा ने फिर से कह दिया कि वे अपने पुराने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि मैं बयान देकर दाएं बाएं होने वालों में से नहीं हूं। ऐसा है कि कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए ये सारे कर रहे हैं, और बाकी रही बात मुकदमे की, अगर माँ भारती के लिए एक नहीं हजार मुकदमे होते हैं तो मेरे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा है, अगर देश के खिलाफ कोई भी अगर बयान देगा या देश के खिलाफ जो भारत माता के मुर्दाबाद की बात करेगा या अफजल गुरु जिंदाबाद या ऐसी बात करेगा, तो उसके खिलाफ कोई भी देश का कोई भी नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने ऐसे वहाँ पर जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर और जिस तरह से उन लोगों के साथ में खड़े हुए जो अफजल गुरु की बरसी मनाने वाले थे, उनके साथ में खड़े होकर और वहाँ पर नारे लगाते हैं, उनके साथ में खड़े होकर अगर ऐसे बयान देते हैं तो उनको पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे पूरा देश आज आहत है। मैंने जो बोला है, मैं उन नेताओं में हूँ जो दृढ़ता के साथ जो बोला है उस पर कायम रहता हूँ। और नेता सुने, और नेता दाएं बाएं बगल झांकते हैं कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा, मेरा मतलब ये था, मेरा अर्थ ये था। आज इतना ही कह रहा हूँ, एक लंबी प्रेस वार्ता लूँगा, व्यवस्थित तरीके से पूरे प्रूफ और पूरे सबूत और पूरे तथ्य जुटाए हैं आज जेएनयू से संबंध इतना, और बाकी ये युद्ध तो आसुरी और देवी शक्ति का है, राक्षसी और देवी शक्ति का है, ये चलता रहेगा, कोई आज ही एंड नहीं हो रहा। आज ही पत्रकार वार्ता लेके अपन उसको करें। चलिए बात आज की करते हैं।
राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने वाले भाजपा विधायक कैलाश चौधरी और जेएनयू प्रकरण में बयान देने वाले विधायक ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में हंगामे के बाद सदन से फिर से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल शुरू होते ही जैसे ही पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान सवाल का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने राहुल गांधी के खिलाफ बयान का मामला उठाते हुए सीएम से माफी मांगने की मांग की। अध्यक्ष ने बोलने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद भी डूडी बोलते रहे। बाद में कांग्रेस विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। 15 मिनट नारेबाजी के बाद कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट करके चल गए। कांग्रेस विधायक दल की सुबह विधानसभा में हुई बैठक में ये तय हो गया है कि विवादित बयान देने वाले विधायकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार मामला उठाया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस हंगामा, वॉकआउट और बहिष्कार की रणनीति पर ही चलेगी। तो वही जेएनयू मामले में विवादित बयान देने वाले भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने आज प्रश्नकाल के दौरान अपनी ही सरकार के खाद्य मंत्री को घेर लिया। आहूजा का नए राशन कार्ड से जुड़ा सवाल था, उस पर खाद्य मंत्री से पूरक सवाल करते हुए आहूजा ने गंभीर आरोप लगा दिए। आहूजा के आरोप और सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने कहा कि जहां भी राशन की दुकान में गड़बड़ी पाई जाएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आहूजा के इस गंभीर आरोप से खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली जरूर सवालों के घेरे में आ गई है। राशन की दुकानों के मैंने पूछा था वो पूरक में, बाकी तो प्रश्न जो थे वो थे कि राशन की दुकानों की चेकिंग क्या आपके डीएसओ या खाद्य विभाग के अधिकारी बड़े या आप करते हैं क्या? तो उनका समय समय पे करते हैं और शिकायत आती है तो कार्रवाई करते हैं। ये मेरा प्रश्न पूरक प्रश्न था, उसके बारे में उन्होंने कहा। मेरा जो जिला है वो हरियाणा बॉर्डर पर है, तो मैंने मंत्री महोदय से पूरक प्रश्न ये भी कहा था उनमें से काफ़ी माल आधे से ज़्यादा हरियाणा में बिकने चला जाता है तो उस पर पाबंदी लगाएंगे और शिकायत आएगी तो पूरी जांच करेंगे, ये उन्होंने कहा। और 50% से ज़्यादा माल इधर उधर होता है उसके बारे में मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया और मैं उससे आश्वासन से उससे विश्वास से मैं विश्वास करता हूँ तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से विधायक ने जो शंका जाहिर करी और ऐसी जब बात सामने आती है तो हम पीडीएस के डीलर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई की है। कितने डीलर अभी सस्पेंड भी पड़े और आगे जो भी कहीं शिकायत मिलेगी तो माननीय विधायक द्वारा भी, आम जन द्वारा भी, आपके द्वारा भी, किसी उपभोक्ता द्वारा भी अगर किस तरह की शिकायत मिलती है तो मैंने स्वयं निरीक्षण किया, मेरे विभाग निरीक्षण कर रहा है और ये सतत प्रक्रिया है। अगर कोई जिस तरह का ऑफेंस करता है उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती है। इसके अलावा मुद्दा सड़क और पानी की समस्या को लेकर भी उठा, लेकिन इस पर भी मंत्रियों के जवाब साफ नहीं थे। विपक्ष का जेएनयू मुद्दा जो भारी था, बजट सत्र से पहले भी मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसके कारण विकास और जनहित के मुद्दे मुद्दे ही बनकर रह गए। करोड़ों के खर्च से चलने वाले सत्र में हंगामे के चलते विकास के कार्यों से पीछे छूट रहा है, जिसका सीधा नुकसान सिर्फ आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। अब सत्ता पक्ष के रुख पर ही ये निर्भर करता है कि वो कांग्रेस की मांग के आगे झुकता है या फिर नहीं, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि ही सदन में जनता के सवाल नहीं उठा पाते हैं तो कई सवाल उठते हैं कि क्या विधानसभा में हंगामे के पीछे जिम्मेदार कौन है। ये जानना भी बेहद जरूरी है क्योंकि बात जनता की है, बात हमारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। लाल सिंह, बजट सत्र से पहले यही अनुमान लगाया जा रहा था कि हंगामेदार ये सदन जो है रहने वाला है जब भी बजट सत्र शुरू होगा। पहले दिन की तस्वीर हमने देखी किस तरीके से हंगामा बरपा, आज की तस्वीर भी कुछ ऐसी रही, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आज पूरा दिन क्या कुछ खास रहा? देखिए पूनम, बिल्कुल आपने जो बात कही है बड़ी सटीक बात कही है, क्योंकि सदन का इंतजार पूरे प्रदेश की जनता करती है। यहाँ पे तमाम जनहित के मुद्दे आते हैं, विधेयक पारित होते हैं और पूरे प्रदेश की करोड़ों जनता टकटकी नज़र से देखती है अपने तमाम जनप्रतिनिधियों की ओर से कि वो किस तरह हमारी जो समस्याएं हैं, बेसिक समस्याएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कपड़ों से हैं, खाने से है, पढ़ाई से है, शिक्षा से है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं, सड़कों से जुड़ी हुई समस्याएं, वो सदन में रखेंगे और उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। लेकिन पूनम, आज के हम पूरे नज़र डालें सदन की कार्यवाही पर तो कहीं ना कहीं मैं दो जरूर बातें पहले बता देना चाहता हूँ पूनम, कि क्या कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या इसकी स्क्रिप्ट पहले तैयार की जा चुकी है? सवाल ये नहीं है कि आज सत्ता पक्ष
झुकेगा पूर्ण या विपक्ष झुकेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है किसी को झुकने वाली बात है, क्योंकि जनहित हर हाल में महत्वपूर्ण होता है और जनहित से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता। और जनहित के लिए और लेकिन लग कैसा रहा है, अभी अगर हम बात करें आज के पूरे परिदृश्य को देखें, कल के पूरे परिदृश्य को देखें पूनम, तो ना तो सत्ता पक्ष झुकने को तैयार है, ना ही विपक्ष इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि आखिर जनहित के लिए क्यों ना इस जेएनयू मुद्दे को भुला दिया जाए। क्योंकि ये मुद्दा अगर हम बात करें तार्किक रूप से मुद्दा सदन के बाहर हुआ था, तो इसको इस मुद्दे को सदन में क्यों खींचा जाए? और जब लगातार ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा जनहित पर भारी पड़ता हुआ जा रहा है, तमाम जिन पर एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पूनम जब सदन हो और उसमें विपक्ष मौजूद ना रहे, तो कई मायनों में लगता है कि सदन एक क्या एक रस्म अदायगी भर रह गया है, या फिर एक पूरे लगभग जो चलाना है अप्रैल माह तक आपको चलाना है, प्रथम सप्ताह तक तो चलाना है, यानी कि रस्म अदायगी करनी है, तो क्या इसलिए सदन चलता है क्या? ये तमाम प्रश्न आज हर आदमी के आम आदमी के झेल बिल्कुल आसिंग, इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि जो हंगामा बरप रहा है आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? करोड़ों रुपए के जो मुद्दे हैं जिस पर बात करनी चाहिए थी, वो आखिर क्यों गौन हुए जा रहे हैं? आखिर उसे क्यों भुलाया जा रहा है? आखिर जनता के हित में सोच कौन रहा है? क्या इस तरीके के मुद्दे वहां पर उठाए गए, क्या कोई संतुष्ट जवाब दे पाया? देखिए पूरा बिल्कुल बिल्कुल मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। दरअसल हम पहले इसकी बात कर रहे, जो हंगामे की बात कर रहे हैं, आज एक तस्वीर और निकल कर आई, प्रश्न काल में जब हंगामा हो गया, इसके बाद जब शून्यकाल शुरू होता है, इसके बाद फिर विपक्ष के माननीय सदस्य वहाँ आते हैं, आलम यह रहता है कि आसन पैरों पर है, बावजूद इसके सदस्य वहाँ चले आते हैं, लेकिन ये तमाम बातों को हम पीछा छोड़ते हैं। इसके बाद जो चर्चा निकल कर आती है पूनम, उसमें जब मदन राठौड़ इस बात को कहते हैं कि आप भारत तो गले मिलते हैं, नेता प्रतिपक्ष को कहते हैं पूनम कि आप भारत तो गले मिलते हैं और बधाई देते हैं, शाबाशी देते हैं, और यहाँ सदन में समय खराब कर रहे हैं, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष बार प्रतिवार करते हैं, यानी कि अब वो चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं पूनम। जब आपके बीच का इतना स्वस्थ वातावरण है, तो आप जनहित के लिए क्यों नहीं अपना त्याग करते? लासिंग जो आपने ये बात यहां पर कही है कि सरकारी उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ जब ये सवाल उठा देते हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो आहूजा से जो जिन्होंने विवादास्पद बयान दिया है वो बाहर तो उन्हें गले मिलते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन अंदर इस तरीके से हंगामा करते हैं, और स्क्रिप्ट की भी आपने बात की थी, जो हम सरकारी भाषा में अगर बोले कि रणनीति पहले तैयार की जा चुकी है, सवाल वही है, अगर इस तरीके से पूरी रणनीति तैयार करके हंगामा बरपाने का पहले ही सोच रखा है, जनता को क्यों भुलाया जा रहा है? क्या उसके मुद्दे भी उठेंगे? सवाल यही हम कर रहे हैं। बिल्कुल पूनम, मैं वही कह रहा हूँ कि दरअसल जब मुद्दे जो उठे, तो कहीं ना कहीं आपके सत्ता पक्ष के ही कुछ विधायक अपने विपक्षी भूमिका अदा करते आए, चाहे बात करते हैं ज्ञानदेव आहूजा ने जिस तरह जो खाद्य महेंद्र सिंह बड़ाना से जो सवाल किया कि आपकी बहुत सारी सामग्री ब्लैक में हरियाणा जा रही है, वो मामला ले लें, चाहे जैसलमेर के विधायक द्वारा गौहत्या के मामले को लेकर आज तक जो अपराधी पकड़े नहीं गए उस बात को ले लें, संबल योजना में जो बाबू सिंह विधायक हैं शेरगढ़ साथ हैं, उन्होंने जो मुद्दा उठाया कि संबलगढ़ में आज भी जो गांव जो चयनित किए गए हैं उनकी राशि लगातार वापस जा रही है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये मुद्दे तो उठे हैं पूनम, लेकिन आप जरा इस बात को गौर करें कि विपक्ष जो सत्ता पक्ष के विधायक इन प्रश्नों को उठा रहे हैं, वही कहीं ना कहीं विपक्षी भूमिका अदा करते आ रहे हैं, मंत्री जब उनको जवाब दे देते हैं वो अपने आप को संतुष्ट ना होते हुए भी खुद को संतुष्ट दिखा रहे हैं, चूंकि सत्ता पक्ष है, एक ही पार्टी के विधायक हैं, उसी के मंत्री हैं, तो सदन में ज़्यादा हुआ हल्ला कर नहीं सकते। ऐसे में जब सदन में विपक्ष मौजूद नहीं होता है, तो ये कहना कि सदन में तमाम प्रश्न उठ के कहीं ना कहीं जनहित में इनकी कोई भूमिका अदा हो पाएगी, या जो मुद्दे सत्ता पक्ष के विधायक उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी धरातल पर उनका समाधान हो पाएगा पूनम, इसमें कहीं ना कहीं संदेह बना हुआ है, क्योंकि बहस भी जरूरी है, अगर बहस होती है तो हंगामा भी होता है, लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि आखिर मुद्दा क्या है। फिलहाल शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी देने के लिए, उम्मीद यही करते हैं कि आगे दिन में जनता के मुद्दों पर संतुष्ट जवाब दिए जाएंगे विधायकों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, और जनता के हित के बारे में भी सोचा जाएगा, जिसके लिए बजट सत्र जो है सुनिश्चित किया जाता है।